नमस्कार बच्चों, अध्याय 12 व्रत सर्किल, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उस सफर को एक बार हम आज दो तीन प्रमेय इंपॉर्टेंट वो समझाएंगे बच्चों, साथ के साथ यहां याद आप लोगों को करवा देंगे, चिंता ना करें आप लोग। एक बार उसका अर्थ हम इन प्रमेय को इन व्रतों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि उसका अर्थ क्या है। ठीक है, प्रमेय क्या कह रही है, ये जो हम प्रमेय आप लोगों को समझा रहे हैं ये किस जगह पे स्थित है वो भी हम आपको बता रहे हैं। प्रमेय 12.8 पेज नंबर 201 निकाल लीजिए, पेज नंबर 201 और प्रमेय है 12.8। इसमें भी हम बता दें 12.8 प्रमेय दो जगह लिखी हुई है, तो कंफ्यूज नहीं होना, पेज नंबर पे ध्यान दीजिए। अब की बार पेज नंबर मैंने बाहर लिखा है, प्रमेय अंदर लिखी है, इधर ध्यान दीजिए सभी। देखो बच्चों, यहां पे ये ए और ये कोई बी बिंदु है, तो चाप ए बी है। इस चाप ए बी द्वारा ये ओ पे जो कोण बन रहा है ये केंद्र पे बना कोण है, और ये सी बिंदु हमने मान लिया ये शेष परिधि पे बना कोण है। तो इनमें एक रिलेशन होता है, गहरा रिश्ता होता है व्रत में। आइए इससे समझ ले हम तेजी से। यस, ये कोई पी बिंदु मान लिया, ये ओ मान लिया, अब की बार ए इधर माना बी इधर माना। ध्यान दीजिए, यहां केंद्र पे जो बना कोण है वो शेष परिधि पे बने कोण का डबल होता है, दुगना कोण होता है केंद्र वाला। अगर ये 25 है तो ये 50 डिग्री का होगा, अगर ये 50 है तो ये 100 होगा, और अगर ये 100 डिग्री है तो ये 200 डिग्री, यानी कि अधिक कोण से भी बड़ा हमारा वृहत कोण भी हो सकता है। यहां ध्यान रखना, इसका डबल, ये केंद्र वाला कोण डबल। इधर ध्यान दो आप लोग, ये 25 तो ये 50। अब सुनो बच्चों, ये व्रत का इस तरह से आकृति होती है कि मैं यहां से यहां तक कहीं पे भी कोई कोण लूं, अगर मैं इस जगह ले रहा हूं ए और बी बिंदु से ही, अगर इधर ले रहा हूं और अगर इधर ले रहा हूं, ये तमाम कोण इस 50 डिग्री के आधे होंगे, यानी ये भी 25 25 25 25। क्यों? क्योंकि ये सभी ए बी बिंदु से बन रहे हैं, हमने केवल फ्री हैंड से इसको बनाया है, तो आप लोग थोड़ा सा नजरअंदाज करिएगा कि बी बिंदु से ही चल रहे हैं। तो ये 25 25 25 25 ध्यान रखना, ये कहलाते हैं एक ही व्रत खंड के कोण। क्या बोला मैंने? एक ही व्रत खंड के कोण, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये ध्यान रखना। और बच्चों एक बात और सुनो, अगर इस वाले में मैंने कोई कोण बनाया ए बी के इधर लघु इधर चाप पे, ये वाला कोण भी आधा होता है लेकिन ये इधर वाले का आधा होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 360 आप लोग जानते ही हैं, तो 310 का आधा कितना? 155 डिग्री, 155 डिग्री। और क्रॉस टैली, इसको आप टोटल करके देख सकते हैं, इनका टोटल 180, इनका टोटल 360 होता है। तो ये सामान्य चीजें आप लोग जानते होंगे। अब हम आपको प्रमेय जो हमने आपको बताया पेज नंबर 201 पे स्थित है उसका प्रमाण आज आपको समझा रहे हैं। यस, इन पे कुछ आधारित सवाल हम बाद में ले लेंगे, हमारी अगली क्लास में ले लेंगे। तो हम सीधा प्रमेय के लिए लिए चलते हैं आप लोगों को इसमें। तो ये संभवतः आप लोग समझ गए होंगे, इसी तरह के कुछ और सवाल चक्री चतुर्भुज वाले भी हम चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी फिलहाल हम इसको मिटा रहे हैं, बाद में देख लेंगे जब व्रत की जरूरत होगी। यस, अब सभी इधर इस डायग्राम पे आ जाइएगा। ए बी कोई चाप है, इसमें केंद्र पे बना कोण ए ओ बी और शेष परिधि पे बना कोण ए सी बी है, दिया है मैं एक व्रत जिसका केंद्र
ओ है, क्या है? ओ है। इसमें कोण एओबी, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण एवं एसीबी, कोण एसीबी शेष परिधि पर बना कोण है, पर बना कोण है। ये तो दिया गया का पार्ट हो गया। अब सिद्ध क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है ना, वो ध्यान दीजिए। सिद्ध करना है कि एओबी जो है ना बच्चों, एओबी वो दुगना है किसका, एसीबी का। यहां जो नाम दिए गए हैं उस आधार पे हमें सिद्ध करना है एओबी कोण एओबी बराबर डबल एसीबी का। इसके लिए हम कुछ इजी करने के लिए एक्स्ट्रा करते हैं, वो रचना में आ जाएगा बच्चों। रचना, क्या बोला मैंने, रचना। रचना में क्या है कि सी को ओ से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दिया, किसको, सी को ओ, केंद्र ओ से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दिया। यस, थोड़ी देर के लिए इसको हम मिटा रहे हैं, और ये हम सी को केंद्र ओ से मिलाते हुए डॉट 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 से आप कर दीजिए। जैसे आप लोगों को पेज नंबर 201 पे एक चित्र दिख रहा होगा पहला, उस चित्र के आधार पे हम यहां पे ले रहे हैं। पी तक बढ़ाया, ये पी बिंदु ले लीजिए, यहां बीच में, यहां तक भी ले जा सकते थे। बिंदु सी को केंद्र ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाया, पी तक बढ़ाया। यस, तो ये तो थे, दिया है, सिद्ध करना है रचना के पद। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पद है वो उपपत्ति के हैं। हमने ये पाया है बच्चों कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को ये एसीओ कोण ओसीए एओपी लिखने में तकलीफ आती है, तो हम इस तकलीफ को आप लोगों को आसान बना रहे हैं। कैसे, इधर वाले कोण को हम कोण एक नाम दे रहे हैं और इधर वाले को हम कोण दो बोल रहे हैं। ध्यान रखना ये कोणों के नाम हैं, मान नहीं है। और इसको कोण तीन दे रहे हैं, इधर वाले को चार बोल रहे हैं और इसको पांच कह रहे हैं, इधर वाले को छह बोल रहे हैं। संभवतः दिख रहा होगा, एक दो तीन चार पांच छह। अब कोण छह बोलते ही बीओपी या पीओबी नजर आ जाएगा आप लोगों को, तो बेहद आसान हो जाएगा। यस, ये तीनों पॉइंट्स तो आप लोग उतार लीजिए, दिया है, सिद्ध करना है रचना। उपपत्ति के समय मैं आप लोगों को लिखने के लिए मना करूंगा कि पहले आप लोग समझ लीजिए। यस, उतारिए सभी। महत्वपूर्ण दिया है, इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, सिद्ध करना और उपपत्ति दो महत्वपूर्ण होते हैं। रचना का आप लोगों को पता होना चाहिए किसमें रचना करनी है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ओ केंद्र वाले वृत्त, ऐसे लैंग्वेज आपको बदल भी सकते हो, ठीक है। यह सब कुछ ध्यान दीजिए, और अब हम आप लोगों को उपपत्ति के पदों में लिए चल रहे हैं और आप लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अभी आप केवल समझने में ध्यान दीजिए, पूरी ऊर्जा पूरी एनर्जी समझने में लगाइए। हमें पूरा यकीन है अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को अभी याद हो जाएगी, मैं साथ के साथ याद करवा दूंगा बच्चों। उपपत्ति, इसमें क्या कर रहा हूं मैं बच्चों, सुनो, केवल इधर वाला जो त्रिभुज है ना लेफ्ट वाला वो दिखा रहा हूं, त्रिभुज OAC में, OAC में
इसमें ओ ए बराबर ओ सी, अरे वृत्त की त्रिज्या है ना बच्चों, तो बराबर ही तो होगी, ओ ए बराबर ओ सी त्रिज्या। बच्चों जब ये दोनों बराबर हो गई तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं समान भुजाओं के, तो इसकी वजह से हमने क्या कह दिया, कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो। परंतु अब यहां एक बात समझ लीजिए बच्चों, बहिष्कोण, एक बात पहले हम इधर बता दें आप लोगों को, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये बहिष्कोण है, ये इस कोण का और इस कोण का योग होता है बच्चों। ये किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए बहिष्कोण इधर बन रहा है तो इसके और इसके योग ये वाला होगा, ध्यान रखना। तो यहां पे इस त्रिभुज में इधर 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 ध्यान दो आप लोग, इस OAC में ये जो कोण तीन है ना, ये बहिष्कोण है, ध्यान से समझना, कोण तीन बहिष्कोण है और इसका मान अंतराभिमुख कोण कोण एक और कोण दो के योग के बराबर होगा। अब कुछ बच्चे पता है क्या सोच रहे हैं कि हाँ एक और दो का टोटल तीन होता है, अरे बच्चों इसलिए नहीं कि एक और दो का योग तीन होता है, इसलिए नहीं, ये नाम है मान नहीं है। तो यहां पे एक और दो का टोटल इस कोण तीन के बराबर है, इधर वाले में भी चार प्लस पांच बराबर छह करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोण तीन बराबर कोण एक प्लस कोण दो तो आ गया, हमारे को जो सिद्ध करना था ना बच्चों उसमें एक चार और तीन और छह की जरूरत है, तो दो और पांच इनकी जरूरत नहीं है, इनको हटाना है हमारे को। तो हमने क्या किया, कोण दो की जगह पे कोण एक लिख दिया, कोण दो की जगह पे कोण एक लिख दिया, क्योंकि ये कह रहा है बराबर है। इस मार्कर की जगह पे मैं ये भी यूज ले सकता हूं क्योंकि दोनों समान हैं। तो यहां पे कोण तीन बराबर दो कोण एक, समीकरण नंबर एक। अब हम चल रहे हैं कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ओबीसी में, ओबीसी में वो की वही चीज बिल्कुल हम लिख भी सकते थे इसी प्रकार, लेकिन आप लोगों को दो बार समझा रहे हैं जिससे आप लोगों को सारी बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो यहां पे ओबीसी में ओबी बराबर ओसी, कारण वही त्रिज्या है, त्रिज्या है उसमें लिख सकते हैं, तो इसलिए यहां पे क्या हुआ, कोण चार बराबर कोण पांच जैसे यहां लिखा था, परंतु बहिष्कोण, अब मैं क्या लिखूंगा, हा कोण छह, बहुत अच्छे, कई बच्चे तो इतने जोशीले हैं कि बस पूछो ही मत। तो यहां पे कोण चार प्लस कोण पांच, तो मैं किसको डबल करूंगा, यहां पे चार को डबल कर दूंगा, कोण चार प्लस कोण चार, पांच को रिप्लेस कर दिया मैंने चार में, तो कोण छह बराबर दो कोण चार, इसको बना दिया हमने समीकरण नंबर दो। पुनः पुनः देखिए, समीकरण नंबर एक था कोण तीन बराबर दो कोण एक, और समीकरण नंबर दो कोण छह बराबर दो कोण चार। आइए समीकरण एक व दो को जोड़ रहे हैं, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ा राइट राइट में जुड़ा, कोण तीन प्लस कोण छह बराबर दो कोण एक प्लस दो कोण चार, देख के लिख सकते हो आराम से, आप ही ने तो लिखा है, इधर दो कॉमन आ गया दोनों में, तो कोण एक प्लस कोण चार, ब्रैकेट बंद। अब बच्चों सुनो, ये तीन और छह है ना, इसको मैं सामूहिक रूप से ए ओ भी लिख सकता हूं,
और एक और चार है ना, इनको मिला के मैं एसी भी लिख सकता हूं। तो अतः है, ये खुशी का अतः है, इसलिए बड़ा लिखा गया है। अतः एओबी बराबर दो कौन एसीबी, बस यही सिद्ध करना था बच्चों हमारे को। अब आप उतार सकते हैं, आप उतारते उतारते ही हम आप लोगों को इसको वापस से समझा देंगे। उतारिए जल्दी से, आप लोग जल्दी से उतारिए। पहले जस बच्चों, अभी मैं जब अंतराल करूंगा ना, तो आप लोग ये चित्र तो चाहे देख के बना लेना आपने, लेकिन ये उपपत्ति जो है ना, आज ही यानी कि 24 जनवरी को ही वापस से अपने आप लिखने की कोशिश करना उपपत्ति। आप में से काफी बच्चे तो तुरंत लिख लेंगे, लेकिन कुछ को देखने की जरूरत पड़ेगी। तो अपने आप को पहचानिए कि आप एक बार में समझ पाते हैं या नहीं। आइए एक बार पुनः पुनः समझाते। पहले हमने लेफ्ट वाला त्रिभुज लिया जिसका नाम था त्रिभुज OAC। OAC में OA बराबर OC त्रिज्या है, तो कोण एक बराबर कोण दो, कारण वो समद्विबाहु त्रिभुज है। दो कोण बराबर तो समान कोण के सामने की भुजा बराबर, यहां पे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं दो भुजा बराबर, इसलिए उनके सामने की कोण बराबर। ठीक इसी तरह से कोण तीन बराबर ये हुआ, और इसमें हमने ये समीकरण बनाया और इधर ये समीकरण बनाया, दोनों को हमने जोड़ दिया, दो कॉमन लेने पे ये सिद्ध हो गया। उतारिए, एक मिनट का कीमती वक्त आप लोगों को दे रहे हैं। उतारने में ध्यान रखिए, और हमारे शिक्षक साथी आप लोगों को कहीं कोई तकलीफ भी आती है तो वो आपको मदद करेंगे। बच्चों इसको हमने कोण 1 2 3 4 5 6 करके इजी बना दिया, जिससे आप AOB ACB APB में उलझे नहीं। बुक के अंदर पूरा नाम दिए हुए AOB ACB इजी कर सकते हैं। बहुत पहले जो बुक्स चलती थी उनमें कोण 1 2 3 4 ही दिए हुए थे बच्चों इसी तरह से। तो आप घबराइएगा नहीं कि ऐसे लिख देंगे तो कहीं बोर्ड के एग्जाम में हमारे नंबर नहीं कट जाएं। निश्चिंत रहिए बच्चों, कहीं कुछ नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। तो संभवतः आप लोगों ने समझ भी लिया होगा, उतार भी लिया होगा। अभी कहीं नहीं जाइए, देखते रहिएगा ICT की ये क्लास। जन टीवी फ्री चैनल है, अगर आप जन टीवी नहीं देख पा रहे तो आज ही अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर से संपर्क करें। जन टीवी एक फ्री चैनल है, अगर आप जन टीवी नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर से संपर्क करें। जन टीवी एक फ्री चैनल है, अगर आप जन टीवी नहीं देख पा रहे हैं तो आज ही अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर से संपर्क करें।
धन्यवाद, पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों अभी मैंने आप लोगों को एक ही वृत्तखंड के कोण समझाए थे, ठीक है ना। इसी क्रम में एक बात यह भी ध्यान रखिएगा कि यदि वृत्त अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त क्या बोला मैंने, अर्धवृत्त है ये इस तरह से, तो अर्धवृत्त में एक इस तरह का फिगर बन जाता है बच्चों कि मैं यहां से यहां कहीं पे भी कोण बनाऊं, ठीक है ना। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना। ये कभी कभी आप लोगों के सवाल जाने अनजाने वाले भी आ जाते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। वो जाने अनजाने वाला कैसे, जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम वाला दे दिया कि ये 24 सेमी है और ये 7 सेमी है, व्यास ज्ञात कीजिए या त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चूंकि ये अर्धवृत्त में बन रहा है इसलिए वो समकोण है, और समकोण है तो इसका जो वर्ग है वो इसके और इसके वर्ग का योग करना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर 576, तेजी से हम बता देते हैं, 576 और 49 टोटल 625। तो ये बोधायन प्रमेय का उपयोग भी इसमें बीच बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। 625 का वर्गमूल 25 सेमी आपका ये व्यास आ जाएगा, तो त्रिज्या अगर आपसे पूछे तो उसकी आधी 12.5 सेमी होगी, ऐसे भी आ जाता है। तो ध्यान रखना अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या बोला मैंने, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। और अब हम एक और प्रमेय, ये एक ही वृत्तखंड के कोण तो समझा दिया, अब हम चल रहे चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रमेय में, और उसमें हम आप लोगों को पेज नंबर 207 पे लिए चल रहे हैं, 207। तो देखिए 207 पेज नंबर पे चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण संपूरक होते हैं। क्या बोला मैंने, चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण संपूरक होते हैं। इसका भी प्रमेय 12.8 ही नाम दिया हुआ है, जबकि पेज नंबर ये 207 पे है, 207 और प्रमेय बस आप देख लीजिए, क्योंकि 12.8 ही यहां लिखा है, पिछली वाली में भी 12.8 थी। तो पेज नंबर 207 पे ये प्रमेय चक्री चतुर्भुज पे आधारित है। इसके लिए हम एक चक्री चतुर्भुज बना रहे हैं। बुक में जो चक्री चतुर्भुज दिख रहा है उसमें एडी से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये चक्रीय चतुर्भुज आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये तय कीजिए। यस, इसका नाम हम अपनी सुविधा के लिए कैसे भी दे सकते हैं, यहां पे ए बी सी और डी हमने नाम दे दिए, ए बी सी डी। तो ओ इसका केंद्र है, दिया क्या है, ये पेज नंबर आप लोगों को बताया 207 पे, और ऊपर लिखा है इसमें प्रमेय का जो जिक्र किया हुआ है वो है चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक या उनका योग 180 डिग्री होता है। तो दिया है ए बी सी डी, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ये दिया है हमारे को। और सिद्ध क्या करना है ये भी सुन लीजिए, दो चीजें हमें सिद्ध करनी है कि एक करना है हमारे को कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, तथा कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम कुछ करते हैं, वो रचना में आता है, एक्स्ट्रा जो भी किया जाता है। तो रचना में हम क्या करेंगे, बी और डी को, क्या बोला मैंने, बी और डी को केंद्र ओ से मिला देंगे, बिंदु बी तथा डी को केंद्र ओ से मिलाया, केंद्र ओ से मिलाया,
तेजी से लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि फिर उपपत्ति में मैं पहले लिखने नहीं दूंगा आप लोगों को। ये मिला दिया, ये डॉट 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 से ओ से मिला दिया हमने, किसको? बी और डी को। और सुविधा के लिए यहां पे नाम भी लिख दिए हमने, ये कौन एक, इसको कौन दो, इसको तीन, इसको चार, इसको पांच, और इधर ऊपर वाले को छह। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। यस, वही इजी कर रहे हैं हम। कौन एक दो तीन चार, तो हमारे को पूरा नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कौन पांच बोला तो आपको तुरंत दिख जाएगा बीओडी की बात हो रही है। कौन चार बोला तो कौन डी, यानी जिसका पूरा नाम एडीसी है, उसकी बात हो रही है। उतार लीजिए यहां तक, फिर हम आगे उपपत्ति के पद लेंगे। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये चक्री चतुर्भुज होता क्या है? अरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों बिंदु है ना वो वृत्त की परिधि पे होने चाहिए। अगर एक भी बार है ना, दो बार है तो बहुत ही गलत है, एक भी बार है तो वो चक्री चतुर्भुज नहीं है, ध्यान रखना। चक्री चतुर्भुज प्रूव करने के लिए भी यही होता है कि अगर आमने सामने के कोणों को योग 180 डिग्री सिद्ध कर दिया तो आप उसको दावे से चक्री चतुर्भुज कह सकते हैं। उतारिए जल्दी से। यस, और बच्चों इन प्रमेय में आप चित्र जरूर बनाया करो, बिना चित्र के प्रमेय का कोई मतलब नहीं है। कहां एओबी है, कहां एसीबी है, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये ध्यान रखिए बच्चों, कम ऑन ध्यान दीजिए कैसे करेंगे सवाल। उपपत्ति, इसमें अभी जो प्रमेय आज मैंने अंतराल से पहले बताई थी वही प्रमेय का उपयोग हो रहा है कि कौन एक जो है ना बच्चों, कौन एक वो बीड़ी चाप द्वारा बन रहा है, बीड़ी चाप द्वारा। कौन बी ओ डी कहां पे बना हुआ कौन है? केंद्र पर बना कौन, केंद्र पर बना कौन है? तथा बी ए डी, कौन बी ए डी शेष परिधि पर बना कौन है? शेष परिधि पर बना कौन है? अब ये जो अभी अभी जो प्रमेय बताई थी ना बच्चों, नाम तो उसका क्या था 12.8, उसका स्टेटमेंट अगर याद है तो आप लिख सकते हैं कि प्रमेय अनुसार हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, और उल्टे लफ्जों में इसको आधा भी बोल सकते हैं। शेष परिधि वाला कोण, शेष परिधि पर बना कोण इस कोण का आधा होता है, तो हम आधे की लैंग्वेज ले रहे हैं यहां प्रमेय अनुसार। कौन एक जो है ना बच्चों, कौन एक वो आधा होगा कौन पांच का, और इसी प्रकार से कौन तीन जो है ना, कौन तीन वो आधा होगा किसका? ये जो कौन तीन है ना बच्चों, ये छह का आधा, देखो संयोग से भी आधा हो रहा है। ये कौन तीन इधर वाले कौन का आधा होता है, और ये कौन एक इधर वाले कौन का आधा होता है, तो ये हाफ ऑफ एंगल सिक्स, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। तो एक व दो को जोड़ने पर समीकरण एक व दो को जोड़ने पर
तो लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ा, कोण एक प्लस कोण तीन बराबर आधा कोण पांच का प्लस आधा कोण छह का, तो हाफ हमने कॉमन ले लिया, इधर कोण पांच प्लस कोण छह, इधर तो वही चल रहा है बस। अब कोण एक की जगह क्या लिख सकते हैं? आहा, एंगल ए, और कोण तीन की जगह पे एंगल सी, और हाफ अपनी जगह पे, यहां पे पांच और छह ये एक बिंदु पे बन रहे हैं ना बच्चों कोण, तो कोण पांच प्लस कोण छह इनका योग 360 डिग्री होता है। 360 आप ब्रैकेट में गिरा सकते हो, तो ये आधे से कट के 180 डिग्री आ जाएगा। तो एक पार्ट तो ये सिद्ध हो ही गया इसका। हमें जो सिद्ध करना था वो करना था कोण एक प्लस कोण तीन, यानी ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री, वो पार्ट तो आ चुका है। और बाकी पार्ट के लिए आप इसी प्रकार एक शब्द लिख सकते हैं, इसी प्रकार, क्योंकि जब किसी चतुर्भुज में इन्होंने 180 डिग्री ले लिए तो बचे हुए को तो 180 डिग्री ही मिलेंगे। इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री आप लिख सकते हैं। तो ये एक प्रमेय थी जिसको आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। उतारिए, फिर एक बार हम इसी को समझा देंगे और आप खुद करना इसको। अगली हमारी जो क्लास होगी ना बच्चों, उसमें हम इन पे आधारित जो कोण ज्ञात करने वाले सवाल है ना उनको लेंगे। तो आप उस क्लास को किसी भी सूरत में जाने नहीं देना, याद रखना। अगली क्लास हमारी 26 जनवरी को तो नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके बाद जो मंगलवार होगा उस दिन होगी, ठीक है ना। और एक और विशेष बात आप लोगों को कहनी थी कि क्लास 9th में अभी हमारा एक चैप्टर चल रहा है आयतन क्षेत्रफल वाला, उसके बाद में त्रिकोणमिति 9th वालों को हम समझाएंगे। तो जिन स्कूल्स में अगर 9th के साथ में आप लोग बैठ सकें तो त्रिकोणमिति का वो जो 6 नंबर का सवाल आएगा अध्याय 7 त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं, वो एक बार पुनः पुनः 9th वालों के साथ में आप बैठ के समझ सकते हैं, क्योंकि 9th को बिल्कुल शून्य लेवल से लेंगे हम। ये था हमारा चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण संपूरक होते हैं वाली प्रमेय। जल्दी से उतारिए आप लोग। यस, वक्त हमारी क्लास का हो रहा है, तेजी से हम समझा दें इसमें कि सर्वप्रथम हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया था। बुक में जो चक्रीय चतुर्भुज छपा हुआ है आकृति 12.55 में, उसमें कुछ क्लियर चक्रीय चतुर्भुज वो दिख नहीं रहा है। तो आप लोग इस तरह से एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज बना लीजिए। हमें सिद्ध करना था कोण एक प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री और दो प्लस चार बराबर 180 डिग्री। यह हम जानते हैं कि कोण पांच एक का डबल है, और दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि कोण एक आधा है कोण पांच का। तो कोण एक बराबर हाफ ऑफ एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 6। समीकरण एक व दो को हमने जोड़ा, आधा कॉमन ले लिया, 5 प्लस 6 बराबर 360 डिग्री, या आप संकेत में दे सकते हो एक बिंदु पर बने कोण, एक बिंदु पर बने कोण, इसलिए 360 लिख दिया, या हल्का सा हिंट आप दे सकते हैं। और इसी प्रकार इसको पूरा डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं तो इसमें रचना नहीं होगी, नया चित्र बनाना पड़ेगा। तो संभवतः आप लोगों ने उतार भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।